नमस्कार, नमस्ते, जुहार। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद चैनल वायरल झारसुगड़ा में। जैसे कि आपको पता होगा कि झारसुगड़ा में हम कहीं पे भी जो भी टैलेंट छुपी हुई रहती है उन सभी को आपके सामने लेके आते हैं और उन सबको हम लोग अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट भी करते हैं। तो वैसे ही कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया था कि झारसुगड़ा की रहने वाली श्रेया लेंका, जी हाँ श्रेया लेंका, जिन्होंने झारसुगड़ा ही नहीं, उड़ीसा ही नहीं, पूरे भारत का नाम अगर बोला जाए तो रोशन किया है। क्योंकि वो एक अकेली भारत महिला हैं जिन्होंने साउथ कोरिया में जाके वहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं और आगामी दिनों में उनका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो वो हमारे भारत को रिप्रेजेंट करेगी। तो आज मैं उन्हीं के फैमिली के साथ बैठा हूँ, उनके माता से, उनके पिता के साथ बैठा हूँ और हम लोग जानेंगे कि उनकी जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई थी और उनको मौका कहाँ से मिला। पहले उनके पापा से बात करेंगे। तो सर क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब आपकी बच्ची अगर देखा जाए तो बहुत सालों से हमने सुना है कि वो प्रैक्टिस करते आ रही है, बहुत लगन से मेहनत भी करते आ रही है और आज उसको एक मुकाम हासिल हुआ है। तो आप कितने पहले, सबसे पहले कितनी खुशी की बात है वो पहले अपना खुशी जाहिर कीजिए हमारे व्यूअर्स को। खुशी यही है कि उसको बयान करना मुश्किल है मेरे लिए कि एक पिता का सबसे बड़ी खुशी की लम्हा वही होता है कि अपने बच्चों के नाम से जाना जाए और आज वो मुकाम आ गया जिसकी वजह से शायद यही है वो मौका बच्ची से मिला है कि आपके सामने ही हूँ। जैसे कि इंटरव्यू शायद मेरा नाम कोई नहीं जानता है लेकिन मेरे आज श्रेया लेंका का फादर के हिसाब से गर्व की बात है मेरे लिए। तो सर इसमें बोलने का मतलब ये जो ट्रेनिंग जो उनका वहाँ पे चल रहा है उनके लिए जो उनका जो सिलेक्शन हुआ था वो कैसे हुआ था, थोड़ा बताएं किन किन लोगों ने इनका सपोर्ट किया जिसके वजह से आज वो उस मुकाम पे श्रेया पहुंची है। ये पहली बात है कि केपॉप जो है एक वर्ल्ड वाइड है, जो वर्ल्ड वाइड में 4000 पार्टिसिपेंट के ये से वो 23% को सिलेक्शन हुआ था। तो 23 से आउट ऑफ 23 चार फाइनलिस्ट हुए थे जिसमें एक ब्राजीलियन की थी और अभी भी है और एक ऑस्ट्रेलियन, एक अमेरिकन और मेरी बेटी जो है आज इंडियन रिप्रेजेंट कर रही थी। और फाइनलिस्ट होने का ये मतलब हम लोग खुद को यकीन नहीं कर पाए थे कि वो स्टेज तक वो पहुंच पाएगी। सर हम अक्सर देखते हैं कि अगर जहाँ पे भी देखा जाए छोटे शहरों के बच्चियों को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता है, बड़े बड़े शहरों के बच्चों को मौका मिलता है लेकिन हमारे झारसुगड़ा की बच्ची को जैसे इसमें मौका मिला है तो आप मतलब क्या बोलना चाहेंगे इसको लेकर? ये आपकी चैनल की मदद से ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें बहुत जनों का हाथ है कि खाली माँ तो चाहते ही हैं, उनको स्कोप देते ही, लेकिन आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा पहला हमारे DAV स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर PK पंडा जी, उनका जो अदर कैटेगरी में जो पढ़ाई को छोड़ के दूसरा जो कैटेगरी में उनका जो बढ़ावा है वो अतुलनीय है। उसके साथ साथ हमारे उनके जो शिक्षक थे, डांस के गुरु थे, कई सारे हैं जैसे उड़ीसी की रूबी मैम हैं, उसके बाद वेस्टर्न में आपके मदन सर जी हैं, उनका तो मतलब क्या बोलूं कि ऋण चुकाना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि रालकला में किस हिसाब से वो सिखाए थे आज कौन सा स्टेज पे वो बोल बयान करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बच्चियों को बोलते हैं क्या करोगे डांस करके, क्यों डांस कर रहे हो, क्यों खेल कूद में जा रहे हो और पढ़ाई करो सिर्फ, ये सब चीज़ से क्या होने वाला है, क्या करियर बनेगा। तो उन सभी माता पिता के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं कि ऐसे मतलब बच्चियों को रोकना चाहिए या फिर ऐसे बढ़ावा देना चाहिए? देखिए हम जब पहले हमारे बचपन में सुनते थे कि पढ़ोगे तो जो भी कुछ बनोगे ही लेकिन खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, लेकिन उसको मैं अपना जैसे ही उम्र बढ़ता गया हम सीखते गए कि अदर फील्ड में भी बहुत सारा स्कोप है और उसमें भी नाम कमा रहे हैं क्योंकि उस समय फॉरेन वाले करते थे, आज के डेट में इंडिया के भी इतना छुपे हुए टैलेंट है उसको स्कोप नहीं मिल रहा था।
और मैं मेरे बेटी को कभी भी रोका नहीं, तुम जो चाहती हो मैं तुम्हारे पीछे से हर टाइम हूँ, तुम्हारे माँ हर टाइम है, मेरे फैमिली से हर टाइम है, उसका सिस्टर हो ये हो वो सबको ये उतना ही लगन से उसके पीछे खड़े हुए हैं। ये जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी उनके पिता से हमने बात की और उनका बहुत सपोर्ट रहा है अपने बच्चे को, तभी जाके श्रेया आज जिस जगह पे है, बिना सपोर्ट के, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाती। और अब हम उनकी माता से बात करने वाले हैं कि उनका उनको किस तरीके से लगा कि उनकी बच्ची डांस में हो या फिर किसी भी इस तरीके एक्टिविटी के फील्ड में हो वो आगे बढ़ सकते हैं ना। मतलब आपको कब से पता चल गया था कि श्रेया के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है जो कि कल को आपके आपको आपका नाम नहीं लेकिन आपके पूरे झारसुगड़ा उड़ीसा का नाम रोशन करेंगे, उड़िया की लड़की अगर बोला जाए तो? नहीं, वो तो 3-3.5 साल की थी, उसको मैं देखी थी जुनून उसके अंदर में, बट जब वो 7-8 में आई ना तो उसका जुनून में देखिए आगे बढ़ती गई हर चीज़ में, खाली वो डांस में नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है, स्पोर्ट्स वगैरह सब में करती थी, तो उन्हीं से मेरे को पता चलता था तो कुछ करेगी, बट इतना कुछ करेगी मेरे को ऐसा नहीं था। इंडिया का रिप्रेजेंट हाँ उड़ीसा का कर सकती है, वो उसमें मेरा भरोसा था, विश्वास था, बट इतना तो करेगी नहीं ये था, भगवान का। बाकी उसका जुनून था कि जैसे आप बोले थे छोटे शहर का है, बोलते वो कभी मानती नहीं थी कि मैं छोटे शहर का हूँ, उन लोग जो कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकती, उसका अंदर वो था चीज़, तो उन लोग कर रहे हैं तो मैं करूँगी, वो जुनून के वजह से आज श्रेया वो साउथ कोरिया में पहुंची है। तो ये इससे पहले भी श्रेया ने किसी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है या अचीव कुछ किया है? हाँ बहुत जगह, वो तो हल्का उड़ीसा का बाहर भी गई है, इलाहाबाद गई है, दिल्ली गई है, टाटा गई है, रायपुर गई है, राउरकेला में बहुत प्रोग्राम की है, बहुत सारा जगह है जाइए, और बहुत जगह से फर्स्ट प्राइज पा के आइए, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड कम होगा, बाकी हर जगह में जहाँ खड़ी रहती थी बोलती वहीं से स्टार्ट होता है, तो वहीं से वो जहाँ पे जाती थी फर्स्ट सेकंड से वो लेके आती थी, कभी थर्ड का ज़्यादा तो नहीं। तो जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि अगर लड़कियों को खास करके प्रमोट करने का, जैसे कि पापा के जितना हाथ रहता है लेकिन उससे कई ज़्यादा मम्मियों का भी हाथ रहता है, तो उन सभी मम्मियों को क्या बोलना चाहते हैं जो लोग अपने बच्चे के अंदर जो टैलेंट को नहीं देख पाते हैं या फिर सोचते हैं कि हमारी बच्ची भी ऐसा कर पाएगी आगे, उसके बारे में क्या बोलेंगे? पहले तो हमको देखना पड़ेगा मेरे बच्चे के अंदर जुनून है कि नहीं, नहीं तो ऐसे तो सब बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, पहले बच्चे को देखना चाहिए उसका अंदर कितना जुनून है, वो कर पाएगी कि नहीं, पढ़ाई को लेके उसको करना पड़ेगा, खाली हम बोलेंगे कि डांस में जाए तो स्पोर्ट्स में, वो नहीं, दोनों को लेके चलना पड़ेगा, तो दोनों का वो देख के जैसे सही में बच्चा के अंदर में है जुनून, मैं तो बोलूँगी हर माँ बाप आपका फाइनेंशियली हो या ना हो जैसे भी करके वो बच्चे का साथ दीजिए और उसको आगे बढ़ाइए। जी जाहिर सी बात है, हमने उनके पापा का, उनकी माता का, दोनों का हमने राय सुना, उन्होंने कहा कि ऐसे कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिन लोगों को प्रमोट करने का ज़रूरत है, उनके पेरेंट्स को उनकी टैलेंट को समझने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ श्रेया की अगर हम बात करें तो जो अभी वहाँ पर सिलेक्शन हुई है तो हम आशा करते हैं कि उसका सिलेक्शन हो जाए और वो हमारे झारसुगड़ा और उड़ीसा का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे। अब हर कोई पहनेगा ब्रांडेड कपड़े, वो भी साधारण कपड़ों के दाम पर, क्योंकि झारसुगड़ा में वनली ब्रांड्स लाया है जाने माने ब्रांड के पुरुषों के परिधान, वो भी 50-80% के डिस्काउंट पर, अब मार्केटिंग के साथ सेविंग भी। फॉर स्मार्ट मार्केटिंग कम टू वनली ब्रांड, कंगर कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला चौक, झारसुगड़ा।